But as you know, before I start my class, I always have to recall all the previous topic. What we have learned in previous class. In previous class, we are discussing equatorial line in electric potential, or equatorial line otherwise called as tan B position, or otherwise called as broadside position. So, from that topic, we have derived the formula. We have just seen the previous video. So, if you learn the concept, that topic, just go to the description box and click the link. नाउ डिस्कस इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल नेम से समझो इक्विपोटेंशियल क्यों है. इसका नेम इक्विपोटेंशियल मीनिंग है इक्विपोटेंशियल मींस इक्वल इन ईच एंड एवरी सरफेस पोटेंशियल मींस इक्वल पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी सरफेस. मीनिंग क्या है डेफिनेशन द सरफेस ऑन व्हिच द पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन सेम इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. देन फर्स्ट डिस्कस वन एग्जाम्पल इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज. और ये पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है. दिस इज द पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज यहाँ पर आप जो भी पॉइंट में लेना चाहते हो ले लो. डिस्टेंस ऑलवेज डिस्टेंस सेम एट ईच एंड एवरी सरफेस. यहाँ पर भी और अगर इस यहाँ पर भी आप लेना चाहते हो तो ले लो डिस्टेंस. यहाँ पर भी सेम है. सो मेरा कहने का मतलब ये है जो द सरफेस ऑन व्हिच द पोटेंशियल मीन्स जो पोटेंशियल आप में रहे हो ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन सेम मीन्स यहाँ पर जो सरफेस में आप डिस्टेंस लोगी तो यहाँ पर भी सेम होगी. सो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज मीन्स पॉइंट चार्ज पॉइंट क्यू मीन्स यहाँ पर पॉइंट चार्ज मीन्स पॉइंट है क्यू चार्ज जहां पर भी आप डिस्टेंस लोगी डिस्टेंस सेम ही होगा. यहाँ पर भी लोगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट सेम देन यहाँ पर भी लोगी आप ईच एंड एवरी पॉइंट एज सेम. देन सेकंड पॉइंट इसका सेकंड पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड. पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स जितना भी डिस्टेंस आप लोगी जहां पर भी लोगी उतना डिस्टेंस सेम रहेगा. मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर डिस्टेंस सेम मीन्स दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है. डिफरेंट डिरेक्शन मीन्स डिरेक्शन का कुछ अता पता नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ओनली इंडिकेट द सिंगल डिरेक्शन. दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल होगा वहां पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है प्लस टू माइनस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इंडिकेट पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो प्लस टू माइनस साइन इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड. देन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जितना भी डिरेक्शन बोथ द सेम है यहाँ पर डिरेक्शन सेम देन यहाँ पर भी जितना भी पोटेंशियल रहेगी वहां पर भी उतना ही पोटेंशियल रहेगी. बिकॉज इक्विपोटेंशियल है इसलिए यहाँ पर भी जितना पोटेंशियल है यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स दोनों प्लेट में इक्विपोटेंशियल का मीनिंग दोनों प्लेट में इक्विपोटेंशियल मीनिंग पोटेंशियल सेम रहेगी. और सेकेंड थर्ड पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल. डाइपोल का मतलब क्या है. माइनस क्यू टू प्लस क्यू मीन्स डाइपोल ऑलवेज इंडिकेट द डिरेक्शन माइनस टू प्लस देन माइनस क्यू टू प्लस क्यू डिरेक्शन इंडिकेट डाइपोल. सो यहाँ पर भी जितना भी पोटेंशियल होगी यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल होगी. बिकॉज इक्विपोटेंशियल का मतलब मैं बताई थी. इक्विपोटेंशियल का मतलब जहां यहाँ पर भी जितना पोटेंशियल कंसिडर करेगी वहां पर भी उतना ही पोटेंशियल कंसिडर करेगी. सो फोर्थ पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस. इक्विपोटेंशियल का मीनिंग क्या है. इक्विपोटेंशियल का मीनिंग है इक्वल पोटेंशियल इन द सरफेस.
मैंने सिमिलर चार्जेस मैंने क्या है प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, मीन्स चार्ज का साइन सेम रहेगी तो उसको बोलेगी सिमिलर चार्जेस। मीन्स यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, इक्वल पोटेंशियल सरफेस का मतलब यहाँ पर भी जितना भी पोटेंशियल कंसिडर होगा वहां पर भी उतना ही पोटेंशियल कंसिडर होगा। दोनों चार्ज में पोटेंशियल बराबर होगा बिकॉज इक्वल पोटेंशियल, यहाँ पर भी जितना भी पोटेंशियल है वहां पर भी उतना ही पोटेंशियल है, वहां पर जितना भी पोटेंशियल सरफेस में कंसिडर होगा वहां पर भी उतना ही पोटेंशियल सरफेस में कंसिडर होगा। सो इज कॉल्ड एज इक्वल पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस। Now discuss kinetic energy of a moving electron across some potential difference. Kinetic energy means kinetic energy half mv square, potential difference means v, so potential difference v. Then discuss this point, when an electron moves across the potential v, v means potential difference, warden is same as eb. कैसे हुआ वार्डन सेम आज ई भी, मतलब वार्डन का फॉर्मूला भी का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू मीन्स क्या है वार्डन, क्यू मीन्स क्या है चार्ज है, और भी मीन्स क्या है पोटेंशियल है। सो वार्डन का फॉर्मूला क्या होगी क्यू इंटू भी, सो क्यू इंटू भी का मतलब क्या होगी क्यू किसके साथ सेम है चार्ज इलेक्ट्रॉन, सो क्यू इक्वल टू कितना है ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, सो नाव को डब्ल्यू इक्वल टू, नाव को डब्ल्यू इक्वल टू भी इंटू क्यू और भी इंटू ई और ई इंटू भी, सो डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना हो गया, डब्ल्यू का फॉर्मूला है ई डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू भी, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, बी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, देन दिस वाटर इज सेम एज द काइनेटिक एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन, दिस वाटर सेम एज द काइनेटिक एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन, इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर, सो ए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पर प्लस टू माइनस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कंसिडर होगी प्लस टू माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इंडिकेट द डिरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, नॉट नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज कंसिडर होगी इलेक्ट्रॉन कंसिडर होगी, सो इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एमवी स्क्वायर, ए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाटर, वाटर किसके साथ सेम होगी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी साथ सेम होगी, सो वाटर का फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू इक्वल टू ई भी, सो ई इंटू भी इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर क्यों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ एमवी स्क्वायर, वाटर का फॉर्मूला क्या है ई इंटू भी, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, वी मीन्स पोटेंशियल। नाउ डिस्कस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी gained by the electron, gained by the electron means E, when it is accelerated through a potential difference, so accelerated through a potential difference means positive to negative means negative means electron, so accelerated through a potential difference, potential difference V, so potential difference of 1 eV, so 1 eV equal to 1 into E, electron ka value hai 1.6 into 10 to the power minus 19 into V equal into 1 joule, so 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, electron volt ka unit hai joule, warden equal to electron volt, so warden equal to electron volt, warden ka unit bhi joule, isliye electron volt ka unit bhi joule, otherwise 1 MeV, M means mega, mega electron volt, mega 1 mega, equal to 10 to the power 6, so 1 mega, 1 into 10 to the power 6 into E means 1.6 into 10 to the power minus 19, V into 1 joule, so 1.6 into 10 to the power minus 13 joule, minus 19 plus 6 minus 13 joule, so J joule, PD means potential difference, electron volt ka unit joule. For today this much only, the other part of this chapter uploaded soon, so to catch our new videos, subscribe my channel and hit the bell icon to get notified, thank you and keep supporting us.